बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। मुख्य शूटर की गिरफ्तारी के बाद मचा हड़कंप। शूटर से होती थी लॉरेंस की डायरेक्ट बातचीत। कैसे दिया गया घटना को अंजाम, सुनकर हो जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 12 अक्टूबर का वो खौफनाक दिन तो याद होगा ही आपको, जब दशहरा के दिन मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। मामला था बाबा सिद्दीकी की हत्या का, जिसे तीन शूटर्स ने मिलकर अंजाम दिया था। दो शूटर्स को तो पब्लिक ने वहां पर धर दबोचा, लेकिन मुख्य आरोपी यानी कि मेन शूटर अपना फोन फेंक कर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। अब इसी मामले पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने उस फरार शूटर को धर दबोचा है और इस शूटर का नाम है शिवा कुमार। यूपी के बरहाई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने की है। अगर थोड़ा और वक्त बीत जाता तो यह आरोपी नेपाल भागने में सफल हो जाता। हालांकि पुलिस ने इसकी मदद करने वाले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस के इशारे पर बाबा को भून डाला। आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया? कैसे इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया गया? इस खास रिपोर्ट में हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी के कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जी न्यूज के एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शिवा कुमार ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने बाबा को मौत के घाट उतारा है। उसने ये भी बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए उसे कैसे बरगलाया गया और क्या क्या लालच दिया गया। शूटर शिवा कुमार का भयंकर खुलासा। साथियों के साथ मिलकर की तीन दिनों तक बाबा सिद्दीकी की रेकी। 12 अक्टूबर दशहरा के दिन मौका मिलते ही गोलियों से भून दिया। हत्या के बाद पुणे से झांसी और फिर बहराइच पहुंचा शिवा। बहराइच से सीधा नेपाल भागने की फिराक में था शूटर। अखिलेश, आकाश और ज्ञान प्रकाश कर रहे थे मदद। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित चार अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्तगण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तों से पूछताछ व अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जलंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स थे, जिनके द्वारा बाबा सिद्दीकी की लोकेशन, असलहे व अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकृष्ण, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। लॉरेंस ने शूटर शिवा को दिया था लालच। हत्या के लिए शिवा को मिला बड़ा ऑफर, 10 लाख रुपए देने का था वादा। हर महीने टिप मनी देने का दिया गया था भरोसा। शुभम लोनकर ने लॉरेंस के भाई से करवाई थी बातचीत। हथियार की व्यवस्था भी शुभम और यासीन ने ही की थी। मोबाइल और सिम कार्ड भी दिए गए थे।
आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके बेटे और विधायक जशान सिद्दीकी के कार्यालय के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये भी जानकारी देते चले कि शिवा की बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल से हुई थी। अनमोल अमेरिका में रहकर बिश्नोई का गैंग चला रहा है। खैर, यूपीएसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की तह तक जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। जिस तरह का खुलासा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।